नमस्कार भगवान भाई, इस साल बड़ी दिक्कतों का सामना करते हुए आपने सेब का उत्पादन किया। इसमें आप द्वारा किए गए प्रयत्न सराहनीय है। फल के उड़ान के बाद पोस्ट हार्वेस्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। आजकल हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिन भर के इस्तेमाल के बाद हमारे मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है और हमें उसे फिर से चार्ज करना पड़ता है ताकि अगले दिन हम उसे फिर से इस्तेमाल कर सके। वैसे ही सेब के उड़ान के बाद पेट के कुछ महत्वपूर्ण पोषण तत्व जैसे फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरॉन का स्तर कम हो जाता है, जो अगले सीजन में आने वाले फूलों पर बुरा असर डालते हैं। इसीलिए तुड़ान के बाद पेड़ को फॉस्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरॉन देना जरूरी हो जाता है ताकि पेड़ में इन पोषण तत्वों की तत्वों का जो स्तर है वो बना रहे। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं हमें, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे सेब के अगले सीजन की शुरुआत हमेशा पोस्ट हार्वेस्ट से ही होती है। इससे डाली में कलियों का विकास होता है और कली की कोशिकाएं सशक्त बनती है, कलियों की संख्या भी बढ़ती है और पहले चरण से ही बाग अच्छा परिणाम दिखाना शुरू कर देता है। पोस्ट हार्वेस्ट में बोरॉन, जिंक, फॉस्फोरस और पोटैश यह मुख्य भूमिका निभाते हैं। बोरॉन सशक्त पराग कण के निर्माण और पराग नलिका के निर्माण में मदद करता है। जिंक कली के गठन और ऑक्सिन्स का निर्माण करता है। फॉस्फोरस सर्दियों के बाद कली को डाली से उड़ान लेकर बाहर आने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पोटैश शाखाओं में और जड़ों में स्टार्च का स्टोर करता है और ठोस कली का निर्माण करने में मदद करता है। बोरॉन की कमी के कारण कणों की अंकुरण क्षमता, पराग कणों की अंकुरण क्षमता कम हो जाती है और उनसे पराग नलिका का निर्माण नहीं हो पाता, जिसका असर फल के सेटिंग पर होता है। जिंक की कमी के कारण डाली में कलियों का ठीक तरह से विकास नहीं हो पाता, इसके कारण कलियां ब्लाइंड रह जाती है जिससे फूल धारण में भी दिक्कत आती है। इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट में जिंक की पर्याप्त मात्रा देना जरूरी है। इसमें छिड़काव से दिया गया जिंक जमीन में से दिए गए जिंक के मुकाबले अधिक असरदार पाया गया है, क्योंकि जमीन में से दिए गए जिंक की उपलब्धता पर एसिडिक, रेतीली, चिकनी, ठंडी और कम सेंद्रिय पदार्थ वाली मिट्टी का विपरीत परिणाम होता है। इसके अलावा जमीन में स्थित अतिरिक्त नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी जिंक की उपलब्धता पर असर डालते हैं। साथ ही अतिरिक्त बारिश, लीचिंग, ठंडी और अधिक नमी भी जिंक की उपलब्धता पर असर डालते हैं। फॉस्फोरस पेड़ के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पोस्ट हार्वेस्ट में फॉस्फोरस कलियों में कोशिकाओं के विभाजन में मदद करता है और साथ ही सर्दियों के बाद कलियों को डाली से बाहर आने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। पोटैश शाखाओं में और जड़ों में स्टार्च का स्टोर करता है, जो कलियों को ठंड से बचाता है। साथ ही वह ठोस कलियों के निर्माण के लिए भी मदद करता है। पोस्ट हार्वेस्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक, बोरॉन और अन्य पोषण तत्वों के आपूर्ति के लिए ट्रेड कॉर्प का न्यूट्री कॉम्प्लेक्स गोल्ड 6-27-0 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही पोटैश की आपूर्ति के लिए ट्रेड कॉर्प का न्यूट्री कॉम्प्लेक्स गोल्ड 0946 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट के छिड़काव में 200 लीटर पानी में न्यूट्री कॉम्प्लेक्स गोल्ड 6-27-0 500 ग्राम मिलाइए और पत्तों पर छिड़काव करें। इस स्प्रे के 10 से 15 दिन बाद पोटैश की आपूर्ति के लिए आप न्यूट्री कॉम्प्लेक्स गोल्ड 0946 500 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर पत्तों पर छिड़काव करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। धन्यवाद।